ये देखिए ये सुरंग है, आप लोग को दिख रहा होगा हीरे का वहाँ पड़ा हुआ हीरा। जैसे ही देखते थे कुआं में कोई आ रहा है तो यहाँ से निकालते थे तीर, तलाम से मारते थे। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम वही है जो चैनल का नेम है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए हमको नहीं हमारे चैनल को। और आज हम आए हुए हैं लखनऊ घूमने और आपको घुमाने। तो पहले हमने घूमा इमामबाड़ा, उसके बाद हम लोग गए भूल भुलैया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले ये वाला वीडियो देखिए उसके बाद उसको देखिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अब हम जाने वाले हैं बावली कुआं। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बाकी लाइक करिए और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा पूरा वीडियो देखने के बाद। अच्छा लगा हो तो बताइए, बेकार लगा हो तो बताइए, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। तो अब हम जाने वाले हैं बावली कुआं के अंदर। तो ये है मेन गेट बावली कुआं अंदर जाने का। देखिए यहाँ पे दादा टिकट चेक कर रहे हैं, सबका टिकट चेक करके फाड़ रहे हैं, उसके बाद सबको लाइन से अंदर भेज रहे हैं। तो हम लोगों ने किया एंट्री इसके अंदर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी भीड़ भाड़ से लोग आगे पीछे आ जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सब लोग रुक गए, क्या बात है। अच्छा, जीना वगैरह उतरना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे लोगों को। सामने देखिए वहाँ पे गाइडर है, समझा रहा है, बता रहा है ऐसे 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 हुआ है। काफ़ी पुरानी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं हमको। और बताया जाता है कि ये बिल्डिंग जो है वो 5 फ्लोर पे है, इसका 2-3 फ्लोर नीचे है ज़मीन के अंदर और 2 फ्लोर ऊपर है। चलते हैं इसके अंदर, दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ आपको, क्योंकि हमारे साथ हमारा गाइडर भी है तो वो हमको गाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, किधर से जाएं किधर ना जाएं और क्या है यहाँ का रहस्य वगैरह सब कुछ बताएगा हमारा गाइडर, क्योंकि हमने उसको दिया है 150 रुपये। और यहाँ पे ये मेरा पूरा ग्रुप है, और यहाँ पे एक ग्रुप में 20 लोग रहते हैं, एक गाइडर रहता है। अभी हम लोग देखिए ग्रुप के साथ चल रहे हैं अंदर की तरफ। काफ़ी पुरानी चीज़ें यहाँ पर हैं, देखिए काफ़ी मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं, काफ़ी भयंकर डिजाइनिंग भी की गई है। और देखिए बाहर का नज़ारा, ये देखिए जीना वीना बना हुआ है, नीचे गेट लगा हुआ है। अभी हम लोग चल रहे हैं इसके अंदर, काफ़ी अंधेरा है अंदर, लाइट वाइट जला लिया है देखिए अंकल ने। चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको क्या अंदर है। कहाँ ले चल रहे भैया, कितने दरवाज़ा इसके अंदर देखिए यहाँ पे हैं, बहुत सारे दरवाजे यहाँ पे हैं। और बता रहे हैं कि यहाँ की जो दीवारें हैं, ये दीवारें पुरानी चीज़ों से बनी हुई हैं, जो चीज़ आदमी खाता था उससे दीवार बनती थी, जैसे चूना हो गया, गुड़ हो गया, गन्ने का रस हो गया, मतलब बेकार चीज़ें, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मटर की दाल, चने की दाल, इसी तरह की चीज़ों से मिलके यहाँ की दीवारें बनी हुई हैं, ऐसा बता रहे थे हमारे गाइडर भैया। अभी चल रहे फिलहाल, देखते हैं अंदर, ये देखिए कुआं आ गया भैया। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर उस जमाने में सिपाही खड़े होते थे और इसी पानी में देखते थे गेट से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 240 साल पुराना सिक्योरिटी सिस्टम, पानी वाला कैमरा, आइए जो देख चुके हैं वो कौन आदमी ये नहीं पता चले, खाली रिफ्लेक्शन का आउटलाइन फिगर दिख रही है, लेकिन आप लोगों ने देखा अभी कुआं, ये एक ऐसा कुआं है जो कि बीचों बीच में खुदा हुआ है। और यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा कि बाहर गेट पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कहीं वो हमारा दुश्मन तो नहीं है। तो पुराने ज़माने के लोग यहाँ से क्या करते थे, यहीं पे उनके सिपाही लगे रहते थे, जैसे ही देखते थे कुआं में कोई आ रहा है तो यहाँ से निकालते थे तीर, तलाम से मारते थे। चलते हैं और देखते हैं ऊपर और क्या क्या है। अरे भैया अभी गिरते गिरते बचे, देखिए अचानक यहाँ जीना भी आ गया है, पता नहीं किस तरह का रास्ता है, घुमा घुमा के उसी में। और यहाँ पे एक और कुआं देखने को मिला हमको, कुएं के अंदर कुआं, कुएं के अंदर कुआं। ये
आपका 7 फ्लोर का बिल्डिंग है, 4 फ्लोर इसके भी नीचे नीचे के 4 फ्लोर उसमें जो जमाने के पूरे रास्ते होते थे सुरंग के, जो आपका दिल्ली कलकत्ता और आगरा तक जाती थी, 1857 के बाद से नीचे के 4 फ्लोर बंद कर दिए, उसमें किसी को जाने की परमिशन नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं जमीन से 20 फीट नीचे खड़े हैं। जमीन का लेवल आपका जो ऊपर वाला लेवल दिख रहा है वो है जमीन का लेवल। ये पूरा बिल्डिंग जमीन के अंदर बनाया गया था, सैनिक बंकर और पानी पीने का कुआं, दो चीज़ों की कामयाबी थी। अभी ये कुआ जैसे ये तो यहाँ का स्लेब डाल के इसको पैक कर दिए कुएं को, ऊपर स्लेब डाल दिए कुएं के ऊपर ना, पानी इसमें आज भी है। हाँ वही, क्योंकि ये तो ऊपर हो तो होस बन गया है और आसपास भी दीवार उठा दी है। अच्छा ये आसपास भी दीवार उठा दी है कि पहले की है? हाँ अच्छा, लेंटर कवर कर दिया क्या? और आप लोगों ने जो कुआं भी देखा, इस कुएं में 7 फ्लोर हैं और ये कुआं बनवाया गया था राजा के द्वारा, जो कि अपनी प्रजा के लिए, जब यहाँ पे पानी की कमी हो जाती थी तो यही बावड़ी भर देते थे और यहीं पे आदमी पानी अघा के पीता था और अघा के जीता था। सर तो झुकाना पड़ेगा, झुकाओ सर भैया, हम भी झुका लें सर, कहीं पे झुका लिया, अब कहाँ ले चल रहे हो भैया? अब हम लोग सुरंग के अंदर, एक ऐसी सुरंग जहाँ पे करोड़ों का हीरा जायदाद रखा हुआ है और हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये देखिए ये सुरंग है, आप लोग को दिख रहा होगा हीरे का वहाँ पर पड़ा हुआ हीरा है, ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं। देखिए अभी चारों तरफ घुमा रहे हैं हमको, इसी में नचा रहे हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं पीछे तरफ, ये देखिए जहाँ पे अभी हम लोग सामने खड़े थे वहाँ पे, अब यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए नीचे जीना वीना लगा हुआ है और अब हम आ गए हैं बाहर, हम लोगों ने बावली कुआं घूम लिया है, बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों हमको करीब 2 घंटा लगा है, पूरा इमामबाड़ा हमने घूमा है और जो गाइडर था 150 रुपया लिया है, पूरा इमामबाड़ा घुमा दिया है। 150 फालतू गए हैं एक हिसाब से देखा जाए तो, बस वही बिलका में घुसेर के बिलका से निकाल देता था। बाकी आप लोग देखे हैं पूरा वीडियो, तो जाइए आराम करिए और दूसरा वीडियो आपको कल मिलेगा जो कि होगा छोटा इमामबाड़ा का, ठीक है? आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।